नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके एडुटेक में। आज के इस वीडियो में हम प्रॉक्सी सर्वर का क्या उपयोग होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग ज़्यादातर सुरक्षा कारणों से अपना आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप भी किसी ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं कि आखिर प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए किसी संगठन में एक अच्छा प्रॉक्सी सर्वर लगाकर नेटवर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। प्रॉक्सी सर्वर किसी वेबसाइट्स या फाइल को अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इससे जब भी आप उस वेबसाइट को देखना चाहें तो वह सीधे प्रॉक्सी सर्वर के लोकल स्टोरेज से आप तक पहुंच सकता है। यानी वेबसाइट को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और बैंडविड्थ की बचत होगी। आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए यदि आप किसी वेबसाइट को सीधे अपने कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं तो वह सर्वर जहां उस वेबसाइट को होस्ट किया गया है उस तक आपका आईपी एड्रेस पहुंच जाता है, जिससे आपके लोकेशन के अलावा आपके बारे में कुछ अन्य व्यक्तिगत जानकारियां ऐड की जा सकती हैं। लेकिन आप प्रॉक्सी सर्वर की मदद से अपने आईपी एड्रेस की आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं। ब्लॉक की गई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के कंप्यूटर में कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा भौगोलिक स्थान या देश के अनुसार कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा भी कई वेबसाइट पर प्रतिबंध लगे होते हैं। इन सारी सुरक्षा प्रतिबंध और फिल्टर्स को बाईपास करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रॉक्सी सर्वर का जो मेन होता है वो होता है कि अगर आप किसी ब्लॉक वेबसाइट तक एक्सेस करते हैं या किसी ब्लॉक वेबसाइट पे आप विजिट करना चाहते हैं और उस पर आपका आईपी एड्रेस जो है ट्रेस ना हो पाए, तो इसके लिए ज़्यादातर जो है आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ हमारे एजुकेशनल चैनल जेके एडुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और नई एजुकेशनल एवं टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।